नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विस शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें टारगेट वैल्यू को निकालना है तो यार ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम 2030 की टारगेट वैल्यू को निकाल सके एग्जैक्टली, ठीक है। पर हम दोस्तों कुछ चीज़ों के हिसाब से इसमें ये जरूर पता लगा सकते हैं कि कंपनी में निवेश करना सही रहेगा या कंपनी जो आने वाले सेक्टर में कितनी ग्रो कर सकती है। तो उसके लिए देखिए, हमें कंपनी की पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखना होगा, जो एक्चुअल चीज़ें होती है। हम इसमें कैंडलस्टिक वगैरह की बात नहीं करेंगे, हम सब चीज़ें एक्चुअल की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी जो जनरल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है, कंपनी का स्टॉक रैंक, कंपनी जो आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग में सेक्टर में काम कर रही है, और कंपनी की वेबसाइट आप देख सकते हो। अभी हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर हम 29 अप्रैल 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखें तो वो 97 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, ठीक है। अगर 5 सालों के बाद देखें 2024 में, तो ये 97 से लेके 609 रुपये हो गई है 19 अप्रैल 2024 को, और ये मैक्सिमम गई है 791 रुपये के आसपास। तो ये 97 से 791 गई है, मतलब कंपनी जो है लगभग 8 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि यार काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसलिए यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम सेकंड चीज़ देखेंगे, पिछले 5 सालों में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या रही थी। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी जो है 1145 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 74 करोड़ की जो है नेट इनकम बना रही थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 1100 करोड़ से बढ़ के हो गया 1400 करोड़ के आसपास, और नेट इनकम 74 से बढ़ के हो गई 188, जो कि यार काफ़ी अच्छा संकेत है ये निवेशकों के लिए, क्योंकि जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कंपनी बना पा रही है, जो कि प्लस पॉइंट है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है प्लस पॉइंट में। अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो 2019 में देखें तो कंपनी के पास 867 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 1281 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें भी यार काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए, कंपनी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को किसी भी प्रकार का डिविडेंड से लाभ दे रही है नहीं। तो 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया 2 बार, 2022 में दिया, 2021 में, 2019 में। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे आप डिविडेंड की वैल्यू को भी देख सकते हो, तो ये भी हमें एक प्लस पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के रूप में संकेत करते हैं। उसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले टोटल प्रमोटर होल्डिंग, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 66%, यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 66% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखी गई है, पूरी तरह से कंपनी के पास रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो 0.05% की होल्डिंग, ये लगभग ना के बराबर रही हुई है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये भी लगभग ना के बराबर है, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी कंपनी में लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं। विदेशी इन्वेस्टर 2% रहे हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 31%, जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो यार 30% वैसे तो ज़्यादा मात्रा ही कही जा सकती है, पर हम इसको एक प्लस पॉइंट गिन लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यार वो ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि कंपनी में बड़े इन्वेस्टर जो है काफ़ी कम मात्रा में रहे हुए हैं। तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद है कंक्लूजन, जिसे हमें कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर या कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो उससे हमें पहले पता होना चाहिए कंपनी की शुरुआत कब हुई थी और कंपनी कौन कौन से सेक्टर की मदद से रेवेन्यू को बना रही है। तो चलो फटाफट शॉर्ट में देख लेते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है 3 नवंबर 1987 के टाइम में हुई थी, और कंपनी का नाम पहले इंटरफेस सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड रखा गया था। फिर दिसंबर 1992 के बाद कंपनी का नाम बदलकर डेटा मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। और कंपनी अगर वर्क फील्ड की बात करें तो कंपनी जो है मुख्य रूप से AI और डिजिटल सॉल्यूशन में काम किया, अगर कंपनी के द्वारा काम किया जाता है। कंपनी ने काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट का निर्माण भी किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रूबोट वगैरह, ट्रूबोट कैप प्लस। अगर आप IT फील्ड में तो आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, वर्क प्लेस, ट्रेड फाइनेंस, फिनांटो वगैरह, ठीक है, ये जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है कंपनी की। इसके अलावा कंपनी काफ़ी सारे सेक्टर में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, जो ये सेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए, इन सेक्टर में कंपनी अपनी सर्विसेज को दे रही है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें
चार प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।